उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले का फतेहपुर गांव, यहां दो परिवारों में जमीनी विवाद के चलते 6 लोगों का मर्डर हो गया। अब देवरिया जिला प्रशासन ने हत्याकांड में मारे गए पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव के घर वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इनमें से कई लोगों पर सत्यप्रकाश दुबे के परिवार के 5 लोगों की हत्या का आरोप है। प्रशासन ने इन आरोपियों की प्रॉपर्टी की पैमाइश का आदेश दिया था ताकि उनके अवैध कब्जे या अवैध निर्माण की जाँच हो सके। इस कार्रवाई के तहत राजस्व टीम आरोपियों के घर 3 अक्टूबर को पहुंची। जिला और तहसील प्रशासन के अफसरों ने प्रेम यादव के 2 मंजिला मकान और खेत की नापजोक यानी पैमाइश की। अधिकारियों के मुताबिक पैमाइश का काम पूरा हो गया है। अब चलिए आपको ये बताते हैं कि आखिर पैमाइश में प्रशासन को क्या पता चला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्व टीम को जाँच में पता चला की प्रेम यादव और उसके परिवार के नाम उतनी जमीनें नहीं है जितनी पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। ऐसे में किसी भी समय प्रेम यादव के मकान पर बुलडोजर चल सकता है। हालांकि राजस्व विभाग ने इस बारे में भी कुछ भी साफ तौर पर नहीं कहा है, लेकिन कुछ अधिकारियों ने पैमाइश की कार्रवाई से पहले बताया था कि अगर प्रेम यादव का मकान सरकारी जमीन पर बना होगा तो नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि पूरी घटना 2 अक्टूबर को हुई थी। देवरिया के रुद्रपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के फतेहपुर गाँव में पहले पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव की हत्या हुई। उसका बदला लेने के लिए सत्यप्रकाश दुबे, उनकी पत्नी, 2 बेटी और 1 बेटे समेत 5 लोगों की हत्या कर दी गई। जमीन विवाद में हुए इस हत्याकांड में दोनों पक्षों की ओर से 33 नामजद और 50 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज कराया गया, जिसमें अब तक 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये देवरिया जनपद में रुद्रपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत फतेहपुर ग्राम में घटना 2 दिवस पूर्व हुई थी, जिसमें सत्यप्रकाश और उनके परिवार के अन्य 4 सदस्यों की मृत्यु हो गई थी, जिसके संदर्भ में रुद्रपुर थाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत पहले ही किया जा चुका था। इस अभियोग में कुल मिलाकर 20 व्यक्तियों की गिरफ्तारी अभी तक देवरिया पुलिस द्वारा की जा चुकी है। इसी घटना के में ही एक अन्य व्यक्ति प्रेम यादव, उनकी भी मृत्यु हुई थी, जिसके संदर्भ में भी सुसंगत धाराओं में थाना रुद्रपुर पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग में 5 लोगों को नामजद किया गया है। ये नामजद लोग वही हैं जो इसी घटना में दूसरे पक्ष से इस घटना में मारे गए थे, वही लोग हैं। इस संदर्भ में भी जो FIR किया गया है उसके आधार पर अग्रिम विवेचना विधि अनुसार की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, UP तक।